हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पटियाला सलवार की जो कटिंग है किस प्रकार से की जाती है। वैसे तो पटियाला सलवार की कटिंग के बहुत से फार्मूलेज हैं, बट जो मैं तरीका आपको बताऊंगा बिल्कुल ही आसान तरीका है और शायद एक बार में आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको पटियाला सलवार में जो बेल्ट है किस प्रकार से लगाई जाती है ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो मैं पटियाला सलवार की कटिंग करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास कपड़ा है। देखिए, एक, दो, तीन और ये चार, ये टोटल मेरे पास चार कपड़ा है। एक, दो, तीन, चार, चार मीटर कपड़ा है मेरे पास। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, हमारे पास बहुत से कस्टमर्स आते हैं, हमारा खुद का बुटीक है, और बुटीक पर आकर कस्टमर बोलते हैं कि सर हमें पटियाला सलवार सिल के दीजिए, परंतु वो जो कपड़ा लेकर आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं 2.5 मीटर या फिर 2.25 मीटर और कहते हैं पटियाला सलवार बना दो। पर दोस्तों एक बात याद रखना, पटियाला सलवार जो होती है, जो प्रॉपर पटियाला सलवार होती है, वो 4 मीटर कपड़े से कम नहीं बन सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 मीटर अगर आपके पास कपड़ा है उसमें भी हम पटियाला सलवार बना सकते हैं, पर 4 मीटर कपड़ा तो सफिशेंट होना ही चाहिए पटियाला के लिए। तो ये 4 मीटर कपड़ा है मेरे पास। सबसे पहले करना क्या है आपको, ये देखिए, केवल एक पल्ले को उठाएं आप इस प्रकार से, और ये जो पल्ला है ये देखिए, ये डबल है इस प्रकार से। इसको डबल कपड़े को आप इस प्रकार से फोल्ड करें, ये जो किनारे वाला हिस्सा है आपकी तरफ होगा और ये बंद वाला हिस्सा उस तरफ होगा। इस कपड़े को आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है, और ये जो फोल्ड करने के बाद ये जो दूरी है जिसको हम बोलते हैं कुंदे या फिर इसको हम पट भी बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, तो दोस्तों ये जो नाप है ये होना चाहिए 6.5 इंच। ये देखिए, ये फिक्स 6.5 इंच पर आ रहा है, और 6.5 पर आप इस प्रकार से नाखून से प्रेस कर लें। इस प्रकार करने के बाद आपको लेनी है सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई का फार्मूला ये है दोस्तों, ये जो पटियाला सलवार की मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, जिनकी मैं सलवार की कटिंग करने जा रहा हूँ उनकी काफ़ी अच्छी हाइट है, और उनकी सलवार की जो लंबाई है वो है 43 इंच। तो लंबाई के लिए सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको इस जगह छोटा सा निशान लगाना है ताकि हम इसकी जो छोटा बड़ा कपड़ा है इसकी कटिंग कर दें बराबर। और उसके बाद आपको इस जगह से 5 इंच कम लेना है, 5 इंच कम लेते हुए आपको 43 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें, ये 43 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। ये 5 इंच जो मैंने कम लिया है इस जगह से, ये 5 इंच मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसकी बेल्ट काटेंगे, बेल्ट की जो लंबाई होती है नॉर्मली वो होती है 8 इंच, जिसमें 2 इंच ऊपर मुड़ जाता है नाड़ा डालने के लिए, और बाकी का जो 1 इंच बचता है वो आधा इंच इस जगह और आधा इंच उसमें बेल्ट में एडजस्ट होकर जो उसकी टोटल लंबाई बनेगी वो बनेगी 43 इंच। तो किस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये 5 इंच मैंने कम कर दिया है और ये इसकी लंबाई 43 है, 43 पर निशान लगा लिया है। और ये जो दूरी है इसकी, ये इस चीज़ को आप बारीकी से नोट कर लें, ये 6.5 होनी चाहिए। 6.5 की जगह आप अपनी सुविधा के अनुसार 7 भी कर सकते हो और इसको 6 भी कर सकते हो, पर जो सफिशिएंट जो रहता है, बिल्कुल जो फिक्स नाप रहता है इसका, जो जनरली चल जाता है, वो होता है 6.5। अब मैं करूँगा इसकी कटिंग। इस प्रकार कटिंग करने के बाद दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी आप साथ के साथ कटिंग कर दें। अब ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है हमारा, ये वाला, इसको तो रखें आप साइड में, ये जो हमारे कुंदे काटे हैं, और इस कपड़े को जो बचा हुआ है इसको आप इस प्रकार से एक बार फोल्ड करें। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों, इस कपड़े में से हम चाहें तो बेल्ट निकाल सकते हैं। बेल्ट निकालने का जो फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है। जो भी हिप्स का नाप होता है, जैसे ये जो बेल्ट में काट रहा हूँ, सलवार काट रहा हूँ, इसका जो हिप्स का नाप है वो है 42 इंच। और जब भी आपको बेल्ट काटनी है तो जो 42 इंच जो हिप्स है उसमें आपको 8 इंच जोड़ना है, तो 42 और 8 हो गए टोटल 50। तो बेल्ट का जो नाप हमें चाहिए वो चाहिए 50 इंच, यानी कि 50 का आधा होता है 25। तो ये कपड़ा डबल है तो हमें 25 इंच यहाँ से लेना है। तो दोस्तों ये टोटल मेरे पास आ रहा है 19 इंच, और ये जो बेल्ट की चौड़ाई में लिए 8 इंच। इस प्रकार से आप 8 इंच पर निशान लगा लें, और ये 19 इंच आ रहा है, यानी कि हमें बाकी का जो कपड़ा इसमें जोड़ लगेगा, ये देखिए, इस जगह से हमें जो जोड़ के लिए कपड़ा चाहिए वो चाहिए 6 इंच। तो 6 इंच का जो कपड़ा है जोड़ का, वो हम इस कपड़े में से निकालेंगे। तो पहले हम इसकी बेल्ट की कटिंग करते हैं।
जोड़ का जो कपड़ा है हम बाद में उसमें से निकालेंगे। तो इतना पार्ट मैंने कटिंग कर दी है। अब दोस्तों हम इसकी काटेंगे, जो मेन पार्ट है सलवार का वो होती है इसकी कलियाँ, जो चार इसकी कलियाँ कटती हैं वो किस प्रकार से कटती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो थे मैंने इसके जो पहले कुंदे काटे थे, ये कुंदे जो हैं इसको मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद ये देखिए, ये जो कपड़ा है इस कपड़े को मैंने बिल्कुल इस प्रकार से दोनों ही कपड़ों को बिछा दिया है। और ये देखिए, जितना भी कपड़ा हमारे पास बच रहा है पूरे कपड़े को आप इस प्रकार से बिछा दें। और उसके बाद दोस्तों करना क्या है, ये जो कुंदे हैं हमारे, इसका नाप ये था, ऊपर से 5 इंच मैंने कम लिया था और जो टोटल इसकी लंबाई 43 इंच थी। तो सेम आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो कुंदे हैं सेम इसी प्रकार से इसके पास रखें और इस प्रकार से निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद दोस्तों ये जो कुंदे हैं हमारे आपको इस प्रकार रखने हैं, ये देखें। और जो इसके पोंचे का नाप है, आपको पोंचे का नाप इस जगह से लेना है। इसके जो पोंचे हैं सलवार के वो रखने हमने 14 इंच, ये देखिए 7 × 2 = 14। और उसके बाद 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है, ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ये करने के बाद आपको कुंदे साइड में रखने के बाद आपको इस कपड़े को इस प्रकार से देखें, ये 2 इंच निशान लगाने के बाद अब हमें आना है इस तरफ जिधर इसका आसन बनेगा। आसन के लिए फार्मूला दोस्तों ये होता है कि आसन होता है नॉर्मली 10 इंच, 10 इंच पर निशान लगा लें आप। और इसके बाद इस निशान को और इस निशान को इंची टेप की मदद से आप इस प्रकार देखें दोस्तों, ये बिल्कुल मैंने इंची टेप रख दिया है। इस प्रकार से आपको इंची टेप की मदद से निशान लगाना है। 10 इंच मैंने इधर से रखा था दोस्तों, ये देखें, और 10 इंच ही मैंने इधर से रखना है इस प्रकार। उधर से इसका आसन बनेगा और एक आसन इधर से बनेगा आपका। और ये देखें, इसकी जो टोटल लंबाई है 39 इंच और आपको 39 इंच इस जगह से लेना है। ये 39 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और इंची टेप की मदद से आप इन दोनों निशानों को आपस में मिला दें। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए ये निशान देखिए ध्यान से आप, ये जो निशान है केवल एक मैं कटिंग करूंगा, उसके बाद ये देखिए दो इसकी कलियां निकल जाएंगी, 1 2, और दो कलियां आपकी इधर से निकल जाएंगी, 1 2। अब दोस्तों होता क्या है, जनरली जो लोग ये कहते हैं कि 3 मीटर में पटियाला सलवार बन जाती है, उसके पीछे कारण यही होता है कि वो इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है। अब ये देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग करने के बाद मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ना, इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने इसको और ज़्यादा हैवी लुक देने के लिए इस जगह यूज़ करना है इसकी कलियों में, ताकि हम इसमें और ज़्यादा लूज़ कर सकें। अब इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला में चेंज करना होता है दोस्तों, वो क्या है, इस चीज़ को आप बारीकी से समझें। देखें, लंबाई हमने वही रखनी है 39 इंच, उसके बाद 2 इंच वही रखना है जो पोंचे का नाप है, बस जो चेंजेस करने हैं हमने थोड़े से वो इस जगह करने हैं। ये जो आसन है, आसन मैंने लिया था इसका 10 इंच, 10 की जगह हम इसको आसन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 10 की जगह हम कर देंगे 13 इंच। सेम इसी प्रकार से दोस्तों मैं 13 इंच यहाँ से कर दूंगा। और जो लंबाई है वो है 39 इंच, आपको 39 इंच लंबाई इस जगह से लेनी है, ये 39 इंच इसमें है, सॉरी इस जगह से आपको 13 इंच वाली जगह से आपको लंबाई लेनी है 39 इंच, ये 39 इंच इसमें यहाँ पर आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो है हमारा थोड़ा सा बढ़ चुका है कपड़ा, और इस जगह हमने कटिंग करनी है। और जो हमारा आसन है, आसन भी 13 इंच हो चुका है, और ये जो 13 इंच वाली जगह लगाई है मैंने, आपको इस जगह निशान लगाने हैं इस जगह से यहाँ पर। अब आप सोच रहे होगे इसका आसन तो बड़ा हो जाएगा, दोस्तों आसन बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आसन में हम लगाएंगे छोटी छोटी 4 कलियाँ। वो किस प्रकार से लगेंगी आप देखें, पहले मैं इसकी कटिंग करूँगा यहाँ से। और ये 13 इंच इसका आसन है, यहाँ से 2 इंच लेना है हमने, और इसके बाद इसकी कटिंग करनी है आगे आसन पे जाकर, 13 इंच पे ही हमने इसकी कटिंग करनी है।
इस प्रकार। अब दोस्तों इन दोनों ही पार्ट्स को आप इस प्रकार से रख लें और इस प्रकार से ये देखिए हमारी चार कलियां हैं जो कट चुकी हैं। और अगर थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क आ रहा हो तो आप कैंची की मदद से इनको बराबर कर लो, पर इसमें फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमने ये चारों पार्ट्स बराबर काटे हैं। अब दोस्तों हम चाहते तो इसको 10 इंच भी रख सकते थे, पर हमने इसको और लूज़ बनाना है इसलिए इस जगह को मैंने लिया है 13 इंच। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है मेरे पास, इस कपड़े को हमने करना है इसमें यूज़। किस प्रकार से, इस कपड़े को मैंने डबल किया और डबल करने के बाद इसको मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये हमारा सलवार का जो घेर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो आसन की जो कमी थी हमारी वो हम यहाँ पर पूरी करेंगे। आसन आप सुविधा के अनुसार 10 की जगह कई लोग छोटा आसन पहनते हैं वो 9 रख सकते हैं, और पर जनरली जो आसन चलता है वो चलता है 10 इंच। और इसमें 10 इंच आसन के बाद बेल्ट लगाने के बाद टोटल जो आसन बनेगा 15 इंच बनेगा। और इस प्रकार से दोस्तों आपको इस कटिंग को इसमें ला के मिलाना है। ये देखें थोड़ा सा इसको इस जगह से सीधा कर लें आप, जिससे क्या है ये टेढ़ापन इसका निकल जाएगा। और इसकी बीच में से कर रहे हैं आप कटिंग। तो दोस्तों ये कलियों में जुड़ जाएगा और हमारा जो सलवार का घेर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये हो गए हमारे कुंदे। अब हम इसकी काटेंगे बेल्ट। तो दोस्तों बेल्ट का मैंने आपको बताया था फार्मूला, बेल्ट हमें जो चाहिए, बेल्ट ये जो कपड़ा बच चुका है मेरे पास, इस कपड़े को ये देखिए मैं इस प्रकार से रखूँगा और जो बेल्ट की जो टोटल लंबाई है वो चाहिए मुझे 25 इंच। तो ये देखें ये 25 इंच यहाँ पर आ रहा है और इधर से करना है हमें 8 इंच। ये 8 इंच इस कपड़े को बराबर मिला लें छोटा बड़ा जो है, और इसकी आप करें कटिंग। ये बेल्ट में एक जोड़ लग जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा 4 मीटर जो कपड़ा था मैंने पटियाला सलवार में यूज़ कर लिया है। ये मेरे पास सिर्फ इतना सा कपड़ा बचा है, इसको हम यूज़ करेंगे सलवार के पोंचे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सलवार काटने का फार्मूला आपको शायद एक बार में ही समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ पटियाला सलवार में जो मेन चीज़ होती है वो होती है इसकी बेल्ट, वो किस प्रकार से लगाई जाती है। आइए आपको मैं मशीन पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पटियाला सलवार की दो बीच के छोटी छोटी कलियाँ जोड़ ली हैं और ये इतना बड़ा इसका टोटल घेर है। ये इतने बड़े घेर को हमने पूरी की पूरी बेल्ट में कवर करना है और पटियाला सलवार बन जाएगी। ये पटियाला सलवार में बेल्ट किस प्रकार से लगाई जाती है आइए आपको मैं मशीन पर बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये है सलवार की बेल्ट। बेल्ट का ये है सेंटर पॉइंट जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। इसको आप बिल्कुल बीचों बीच रखना है सेंटर में इस प्रकार से। और सेंटर में रखने के बाद आपको जो प्लेट्स लगानी है इस सेंटर से आप नाप लीजिए कितना आ रहा है। यह है 10 इंच। 10 इंच पर एक मैंने निशान लगाया है और इसी प्रकार से 10 इंच पर एक निशान आपको इधर लगाना है। ये देखें यानी कि जो प्लेट्स डालनी हमने 10 इंच इधर सेंटर से और ये सेंटर से 10 इंच इधर प्लेट डालनी है। करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो इसका बैक वाला पोर्शन है ये सेंटर वाला, इसमें एक कट लगा लें ताकि पता लग जाए कि बिल्कुल सेंटर में है बेल्ट। अब उसके बाद ये देखिए दोस्तों आप इस प्रकार से ये पीछे वाला हिस्सा उठाएं और पीछे वाले हिस्से में मैंने दो दो प्लेट लगा ली हैं। एक प्लेट इधर लगाई है मैंने, एक प्लेट इधर लगाई है। ये जो प्लेट्स हैं इनका जो मैंने मार्जिन रखा है 2-2 इंच रखा है, यानी कि ये जो पीछे का हिस्सा है जब भी हमने बेल्ट लगानी है तो सबसे पहले ये देखिए पीछे वाले हिस्सा है ना, ये पीछे वाले हिस्से को आप इस सेंटर को इसके साथ मिलाएं और इस जगह से आपको सिलाई शुरुआत करनी है इस तरह से। सिलाई की शुरुआत करने के बाद आपको ये जो 10 इंच तक का निशान है यहाँ तक आपको सीधी सिलाई लगानी है। अब मैं 10 इंच तक पहुँच चुका हूँ। अब दोस्तों जो असली काम है पटियाला सलवार में प्लेट्स का वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो 10 इंच का मार्जिन है इस 10 इंच के मार्जिन के अंदर ये जो सारा का सारा कपड़ा है, यानी कि ये जो उसका सेंटर पॉइंट है सलवार का ये वाला है, इधर से ये वाला
ये जो 10 इंच का आसन लिया था हमने, इसको और बेल्ट का ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। और ये जो सारा का सारा कपड़ा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस सारे कपड़े की हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। और प्लेट्स डालने के लिए जो ये जो मार्जिन है ये वाला दोस्तों, ये प्लेट्स इस तरफ डालेंगी, परली तरफ ऐसे मोटी मोटी प्लेट डालनी है, दो दो ढाई ढाई तीन तीन इंच की। और ये प्लेट्स किस प्रकार से डलती हैं आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग मैंने तीन तीन इंच की प्लेट डाली है, इस प्रकार से आपको प्लेट डालनी है। इसके बाद फिर इस प्रकार से लगभग तीन इंच, साढ़े तीन इंच, ढाई इंच, जो भी आपकी सेटिंग बैठे उस हिसाब से इसमें आप प्लेट्स डालें, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है और 10 इंच के अंदर हमने कवर करना होता है। प्लेट्स लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो प्लेटों की जो दूरी है बिल्कुल बराबर हो तो ही उसका लुक एकदम बढ़िया वाला आता है। ये देखिए, ये जो प्लेटों की दूरी है सबकी बराबर बराबर है, बराबर इनमें डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट को हमने इस सेंटर पॉइंट मिला दिया है, पूरा का पूरा जो कपड़ा है इसके साथ एडजस्ट हो गया है और 10 इंच के अंदर पूरे कपड़े को कवर करके हमने ये प्लेट्स लगा ली हैं। अब दोस्तों इसी तरह से जो प्लेट डालनी है हमने वो दूसरी तरफ डालनी है। ये देखिए, ये 10 इंच में पूरे में कपड़े में प्लेट डाल दी है और इनका ये जो बीच का गैप है देखिए कितना कितना है, काफ़ी गैप इसके अंदर है। और इससे पहनने के बाद ये जो इसका लुक है पूरा प्रॉपर पटियाला वाला लुक इसका आएगा। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ प्लेट्स डालें। तो दोस्तों ये देखें, अब हमने ये जो प्लेट्स डाली थी इसका जो मुंह था इस तरफ रखना है, जो पहले प्लेट डाली थी उनका मुंह हमने इस तरफ रखा था और बाकी प्लेटों का मुँह इस तरफ करना है। ये देखें दोस्तों, ये जो प्लेट्स थी इनका मुंह दो है इस तरफ है और ये वाली प्लेट्स हैं जो इनका मुंह है इस तरफ, दोनों का डिफरेंट जो है एक तरफ मुंह नहीं रखना, दोनों का प्लेटों का अलग अलग तरफ मुंह रखना है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो 10 इंच का हमारा निशान है, इस निशान में ये सारा सारा कपड़ा इसको पकड़े और ये इसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा।
इस प्रकार से। तो दोस्तों ये देखें, ये 10 इंच वाला जो निशान है, इस निशान तक प्लेट्स हमने लगा दी हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो कपड़ा बेल्ट है पीछे वाला हिस्सा इसका, ये इसके साथ बिल्कुल बराबर आ चुका है, और एक सिलाई में ये इस प्रकार से बेल्ट लग जाएगी।